हाँ भाइयों, आज आपको एक ऐसे खेती के बारे में बताएंगे जिससे आप करोड़ों कमा सकते हैं, वो भी अपने मेड़ पे ही लगा के। अगर इसका प्लांट आप लगा रहे हैं तो आज आपको महोगनी का प्लांट बताएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा कीमती लकड़ी इसका होता है और इससे 2 करोड़ आराम से एक एकड़ में कमा सकते हैं। जितना आपको खेती करने से फ़ायदा नहीं होगा उससे ज़्यादा इसमें फ़ायदा होता है। इसका उन्नत किस्म 2 ही प्रकार के होते हैं। इसके उन्नत किस्म में आपको बताएं तो एशियन होता है और एक अफ्रीकन। भारत में तो एशियन अफ्रीकन दोनों लगाया जाता है और लोग कहते हैं जो एशियन वाला ज़्यादा चलता है, कुछ लोग अफ्रीकन वाला। अफ्रीकन वाला थोड़ा जल्दी बढ़ जाता है लेकिन एशियन वाला थोड़ा धीमे बढ़ता है और एशियन का सबसे ज़्यादा दाम भी रहता है और अफ्रीकन का उससे कम थोड़ा रहता है। लेकिन ऐसे कोई सरकारी रजिस्टर्ड कंपनी और नर्सरी से आप 2-3 साल पुराना अच्छे ढंग से विकसित पौधा आप ले सकते हैं और वो लेना भी आसानी हो जाता है। आप किसी भी नर्सरी से ले सकते हैं। अब इसका प्लांट आपको 30 रुपये से लेके 200 रुपये तक देगा। आप जैसा भी लेना चाह रहे हैं, जितना छोटा लीजिएगा उतना ही ज़्यादा इसका प्लांट मिलेगा अच्छा। और अगर लगाना है तो अगर घेराबंदी चारों तरफ है तो सबसे छोटा लगाइए, वो जल्दी बढ़ता है और ज़्यादा विकास भी करता है। और इसका एक प्लांट आपको 20 फीट या 30 फीट का हो जाएगा। अगर आप 12 सालों में 10 से 12 सालों में इतना बढ़ जाता है। और इसका लगाने का विधि है, जून से जुलाई में आप इसका लगा सकते हैं। अगर बीज से बुआई का तरीका है तो सरकारी नर्सरी से आप बीज ले सकते हैं, जो कि अपने मेहनत और पौधा खरीद कर भी लगा सकते हैं। अगर बीज लगाना चाह रहे हैं तो खेत की जुताई कर लें और उसमें बीज लगा दें। इसमें नर्सरी लगाना बहुत आसान हो जाता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा दाम में आपको देगा। जून जुलाई के मौसम में आप इसमें एक गड्ढा खने, 2.5 बाई 2.5 फीट का गड्ढा रहेगा, 2.5 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरा जो गड्ढा रहेगा। और उसी में आप गोबर की खाद रख दें और अगर मन है तो यूरिया DAP मिला के रखें, ऐसे लोग नहीं रखता है। और कोई भी फफूंदनाशी या कोई भी वैसा कीटनाशी जो फफूंदनाशी ही डालें जो कि दीमक को मार दे उसके अंदर का। हमने थाइमेट रखा था, आप मेरा प्लांट भी देख सकते हैं, ये मैंने खरीद के लाया हूँ और 1 फीट गहरा गड्ढा रहेगा, उसी में आप दे दें। और इसका प्लांट 15 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस में लग जाता है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु होता है इसलिए ये एक तरह से समझिए पूरा भारत में आप कहीं भी लगा सकते हैं। और इसका प्लांट बहुत ऊंचा रहता है और महोगनी जल भराव वाले भूमि को छोड़कर सभी स्थानों पर लग जाता है। अगर आप चाहेंगे तो 15 से 20 दिन अगर जल भराव हो जाएगा तो वो बहुत ख़राब हो जाता है, प्लांट सूख जाएगा आपका। और दलहन वाले खेत में बेहतरीन होता है। इसके लिए आप अगर इसका खेती कर रहे हैं तो आप 2-3 साल इसमें दलहन का फसल जैसे अरहर हो गया ये सब का खेती कर लें। अगर घेराबंदी है अच्छा तो अरहर कोई नीलगाय या कोई भी जंगली जानवर नहीं खाता है, लेकिन महोगनी का भी प्लांट जंगली जानवर खा जाता है और वो भी अरहर भी खा जाएगा। इसलिए आप इसका घेराबंदी बारबंदी ही करके लगा सकते हैं। अगर आप वैसा बचाने का कोशिश कीजिएगा तो बचा भी सकते हैं। अगर इसका प्लांट लगाना है तो वृक्ष के बाकी पेड़ों के उर्वरक की ज़रूरत होती है। गड्ढे की भराई के समय 20 किलो अगर आपको गोबर की खाद दे सकते हैं, अगर मन है तो दीजिए, नहीं दीजिएगा तो वो भी अच्छा है। हम तो नहीं दिए थे, आप दे सकते हैं अगर मन है तो। और हानिकारक कीट रोग नियंत्रण भी इसमें किया जाता है और इसके जल भराव गलन रोग इसमें लग जाता है। इसके लिए आप कोई भी एंटी कीटनाशकों के तैयार करने से वृक्षों के पत्तियों पर डाल देना चाहिए और जल भराव होने से गलन रोग आ जाता है। और खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुराई करने से बीच के खाली जगहों को अंतर फसलों की खेती करना चाहिए। अगर इसका 1 फीट एक प्लांट से दूसरे प्लांट की दूरी 6.5 फीट होना चाहिए। अगर आप इसमें लगा रहे हैं एक, अगर आप इसका खेती कर रहे हैं तो, अगर आप मेड़ पे लगा रहे हैं तो भी 6.5 फीट होना चाहिए। और 5 से 7 दिन में पानी देना चाहिए गर्मी के दिनों में, और ठंडी के दिनों में 15 दिन पे दें। और इसको 5 से 6 साल इसको पर्याप्त पानी की सिंचाई की आवश्यकता होगी, मतलब एकदम नमी बना रहे वैसा सिंचाई की आवश्यकता होती है। और 12 साल बाद है इसकी पहली कटाई कर ली जाती है, दूसरी कटाई 24 साल पर और तीसरी कटाई उसी के हिसाब से तीसरी अंतिम में कर लेनी चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं तो कटाई कर सकते हैं, अगर नहीं उससे भी बड़ा करना चाहते हैं तो। अगर इसे 10-20-25 साल का भी प्लांट रखता है, लोग 60-60 साल का प्लांट हमने देखा हुआ है जिसमें बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, उसका दाम अभी 1 लाख 1.5 लाख ऐसे करके चलता है और वो एक ही प्लांट है एक आदमी के पास।
और 1 एकड़ में महोगनी के पेड़ लगाने में 6 फीट का अंतर ही रहना चाहिए। 1 एकड़ में आपको 1100 प्लांट लगेगा, आप 1150 ले लें, क्योंकि 50 प्लांट सूख भी सकता है, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा ही प्लांट रखिएगा, तो इससे आपको आसानी होगा जो इसको लगाने में, और इससे कमाई भी बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर